नमस्कार, मैं शशि चौरसिया अर्थ प्रकाश टीवी पे एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। तो मेयर और पार्षद पद को लेकर यहाँ पे जो पंचकुला में चुनाव है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसको लेकर मैं आज पहुंची हूँ वार्ड नंबर 7 में। तो ये मेरे सामने उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार है नीलम जी, इनसे चलिए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि वार्ड नंबर 7 में क्या क्या परेशानियां रही हैं और ये किस तरीके से अगर ये कुर्सी हासिल करती है पार्षद की तो कैसे हल करेंगी। तो मैं सबसे पहले आप प्रकाश टीवी पे आपका स्वागत करती हूँ। तो यहाँ की सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि आप किन उद्देश्य से इस आपने सोचा कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए। मेरा तो कहना है, मेरे कॉलोनी वासियों से नमस्कार। सबसे पहले मुद्दा मेरे आगे रखा गया है गली ठीक कराने का, तारे ठीक कराने का और यहाँ पे पुल बनवाने का। इसलिए मैं इस मुद्दे पे खड़ी हुई हूँ। मैं जरूर जीत के ये सपोर्ट सबकी पूरी करूँगी। जो जो मेरी माता बहनों की इच्छा है वो भी मैं पूरी करूँगी। आज तक जो भी बच्चा स्कूल में जाता है उसको एडमिशन नहीं मिलता राजीव कॉलोनी की वजह से, मैं वो एडमिशन करवाऊँगी, गली का सुधार करा। तो कुछ जो यहाँ की विपक्षी पार्टीज हैं वो भी खड़े हैं, उसको लेके क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज तक तो पार्टी ने कुछ किया नहीं, ठीक है, इतने नेता आए इतने वादे करके चले गए। इसलिए मैं इस मुद्दे पे खड़ी हुई हूँ कि जनता मेरे को फुल सपोर्ट कर रही है। इसलिए जो जो मेरे पास सपोर्ट आई है बनाने के लिए वो मैं पूरी करूँगी। तीन मुद्दे आपके वार्ड के, आप जीतती हैं तो उसको पूरा पक्का करेंगे? हाँ, मैं पूरा करूँगी। कौन कौन से तीन मुद्दे हैं वो? सबसे पहले है गलियाँ, पत्थर बिछवाना और तारे ठीक करना। गलियों की क्या हालत है यहाँ की? यहाँ तो गांव से भी बदतर यहाँ की गलियाँ। सबसे पहले बात ना तो आज तक कभी किसी ने पत्थर बिछवाने की करी है। अपनी अपनी गली थोड़ी ना कोई सजाना चाहता है, सभी चाहते हैं कि नेता लोगों कोई आए, या हमें हमारे बच्चे हैं गलियों में भी घूमते हैं, ठीक है, बहुत परेशानी उठाते हैं। और बारिश के टाइम पे अगर किसी के हादसा हो जाए, ये गलत बात नहीं है, किसी के घर में एक सदस्य है और उसके साथ बारिश में कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार तो नेता लोग ही होंगे ना, और इसलिए मैं ये सुधार करवाना चाहती हूँ। तो नीलम जी के पति देव जी खड़े हैं यहाँ पे साथ में उनको सपोर्ट करने के लिए। भानु प्रताप जी, मैं स्वागत करती हूँ आपका, आप क्या कहेंगे? आपकी वाइफ धर्मपति जी आजाद उम्मीदवार आज पार्षद पद के लिए खड़े हैं। तो सबसे पहले तो मैं राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी और बुद्धनपुर वासियों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। मुझे सभी 7 नंबर वार्ड से फुटस्पोर्ट मिल रहा है, लोग मुझे बहुत पसंद भी कर रहे हैं। मेरी धर्मपत्नी जो नीलम देवी वार्ड नंबर 7 से, जिनका चुनाव चिन्ह किसान है और उनका 3 नंबर का बटन मिला है, कोशिश यही कर रहे हैं हम कि सबके दिलों को जीता जाए, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको हल किया जाए। चाहे गलियों को ले लो, चाहे तारों को ले लो, चाहे वो इंदिरा कॉलोनी में पुल बड़े हैं पुल बनवाए जाए, लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, कोशिश यही करेंगे। अगर हमारी पार्टी जीतती है तो हम पुल जरूर बनवाएंगे। तो अभी मैं बात करूंगी भाई विजय गुप्ता जी से, आप इनको सपोर्ट कर रहे हैं, आपने जितना मैंने मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने चुनावी दल देखी है, आज तक मैंने चुनावी दल देखे हैं, बहुत नेता आते हैं बरसाती में डर की तरह चले जाते हैं, वादे लाते हैं जनता को, एक वोट बैंक समझा हुआ है कि कहते हैं अवैध कॉलोनी है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ अपने चुनावी नेताओं से, अगर ये अवैध कॉलोनी है तो उन्हें वोट बैंक की तरह क्यों यूज किया जाता है? मैं जन्म से देख रहा हूँ कई गलियां ऐसी है, उन गलियों में नाली नहीं नाले का रूप ले लिया है, जब हम गलियों से निकलते हैं हमारे बच्चे भी निकलते हैं पैर पड़ते हैं तो मुंह पे छिटके आते हैं, आज तक कोई भी नेता उस गलियों में बढ़ के देखता नहीं, सिर्फ चुनावी दौर में आते हैं हाथ पैर जोड़ते हैं और वोट बैंक सब चले जाते हैं। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।